सुप्रभातम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। जैसा कि हमने पिछले सप्ताह में उद्योग और उद्योग के दो प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, आज हम अमरज्ञान विषय के गोल में पांचवा जो चैप्टर था अपना उद्योग, उसमें हम उद्योग के तीसरे प्रकार के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके दो प्रकार जो थे, पहला था आकार के आधार पर, दूसरा स्वामित्व के आधार पर, और तीसरा जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है कच्चे माल के आधार पर। तो इसको उद्योग को तीन भागों में बंटा है, तो आज हम इसके तीसरे प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका तीसरा जो प्रकार है कच्चे माल के आधार पर। उद्योग जो विकसित होते हैं तो उसमें उद्योग को चलाने में कच्चे माल का एक महत्वपूर्ण भाग रहता है। उसके द्वारा भी कई प्रकार की विनिर्मित वस्तुएं बनाई जाती है, जिसके कारण ये वित्तीय कार्य के अंतर्गत आता है उद्योग। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग को भी है जो अब हम इस तीसरे पार्ट के बारे में, तो इसको तीन भागों में चार भागों में विभक्त किया गया है। इसके भी चार प्रकार हैं, इसके जो प्रकार हैं वो चार हैं। इसके थे, इसको तीन भागों में बांटा था और इसको चार भागों में, और तीसरे प्रकार को भी चार भागों में विभक्त किया गया है। तो इसका जो पहला प्रकार है, जिसका यदि हम पहले प्रकार के बारे में, पहला जो प्रकार है वो है इसमें कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, तो इसका ये तीसरा प्रकार, कृषि तीसरे भाग का पहला जो प्रकार है वो कृषि आधारित उद्योग, जिसमें कृषि से संबंधित जो भी खेती से जो उत्पन्न होते हैं उससे जो प्राप्त चीज़ें हैं वो कल कारखानों में उद्योगों में पहुंच करके उसे निर्मित माल बनाया जाता है। जैसे यदि उदाहरण में लें तो कपास की खेती होती है। कपास एक कच्चा माल है, ये कच्चे माल के रूप में ये कच्चा माल है, तो ये कल कारखाने में पहुंचता है और उससे सूती वस्त्र उद्योग चलता है। तो इससे चलने वाला जो उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, तो ये इसके द्वारा, इसी प्रकार से यदि उदाहरण लें तो गन्ना भी एक है जो कच्चा माल के रूप में कल कारखानों में पहुंचता है और उससे जो बनने वाले जो उद्योग चलते हैं उसमें है शक्कर एवं गुड़ उद्योग। तो ये कृषि आधारित उद्योगों में, इसी प्रकार से दलहन की खेती होती है, मूंग मोठ जो उत्पन्न किए जाते हैं तो ये भी एक कच्चे माल के रूप में इसे दालें बनाई जाती है। कल कारखानों में पहुँच करके इसे विभिन्न दालों का निर्माण किया जाता है, तो ये भी एक कच्चे माल। इसी प्रकार से मूंगफली भी है, मूंगफली जिसे जो तेल उद्योग चलता है
ये कच्चे माल के आधारित पर ये पहला कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग में एक सूती वस्त्र उद्योग, शक्कर एवं गुड़ उद्योग, तेल उद्योग, दलहन उद्योग, तो ये इसके उदाहरण हैं जो खेती पर आधारित है। कृषि के द्वारा कच्चा माल प्राप्त होता है, कपास है, गन्ना है, मूंगफली है, ऊन मोट है, तो ये इसके द्वारा ये उद्योग चलते हैं, तो इस पर आधारित ये उद्योग हो गए। तो ये इसका ये पहला प्रकार। अब यदि इसके दूसरे प्रकार की बात करें, इसी का दूसरा जो प्रकार है, तो उसमें कच्चे माल के आधार पर समुद्र आधारित, तो समुद्र आधारित उद्योग इसका ये दूसरा प्रकार है। तो समुद्र से भी हमें कई प्रकार के, जैसे मोती है, पत्थर मिलते हैं कीमती पत्थर समुद्र में तराश करके, तो उससे भी कई प्रकार की निर्मित चीजें बनाई जाती है। इसके अलावा समुद्र में मछली पालन का जो काम सबसे बड़ा होता है, मत्स्य पालन जिसको हम कहते हैं, मत्स्य जिससे तेल बनाया जाता है, मछली का तेल निकाला जाता है, तो मछली इसका भी एक उद्योग चलता है। तो ये सबसे बड़ा इसमें समुद्र आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। तो अब इसके हम तीसरे प्रकार पर बात करें, तो ये दो प्रकार आपको इसके समझ में आ गए होंगे। कच्चे माल के आधार पर पहला है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा है समुद्र आधारित उद्योग जिसमें मत्स्य तेल जो निकाल मछली का तेल निकाला जाता है, ये उद्योग चलते हैं। इसके अलावा तीसरा इसका जो प्रकार है, तो हम तीसरे प्रकार की यदि बात करें इसमें, तीसरे जो प्रकार में इसका जो तीसरा प्रकार, ये समझ में आ गए होंगे, तीसरा और चौथा इसका जो प्रकार है, तीसरा इसका प्रकार है खनिज आधारित उद्योग। तो खनिज भी एक कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है, जो जमीन से खोद करके निकाले जाते हैं, जिसका हम निकालते ही उसका तुरंत उपयोग नहीं करते, क्योंकि इसमें कई चीजें मिली हुई पेट्रोलियम के रूप में, ये सब चीजें पेट्रोलियम के रूप में प्राप्त होती है और फिर उससे उसको अलग किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो उसमें क्योंकि कई धातु भी है, तो वो शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होती, तो इसमें अंदर धातु है, तो खनिज आधारित में धातु उद्योग है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम आधारित उद्योग है, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये शुद्ध रूप में हमें प्राप्त नहीं होते, इनको भी ये जो उद्योगों के द्वारा शुद्ध किया जाता है और फिर उसको उपयोग में लिया जाता है, मानव निर्मित उपयोग में भी निर्मित कार्य किया जाता है। तो ये समुद्र आधारित उद्योग। फिर कच्चे माल के रूप में यदि इसका चौथा जो प्रकार है, चौथा प्रकार है वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग, तो वन से यानी कि पेड़ पौधे जहाँ रहते हैं, तो उन पर आधारित जो उद्योग, वनों से जो उपज प्राप्त होती है, जैसे जड़ी बूटियाँ हैं, औषधि जिसको हम कहते हैं, तो औषधि से कई प्रकार की औषधि दवाइयाँ बनाई जाती है जड़ी बूटियों से उनकी, तो इस प्रकार के जो उद्योगों में औषधि है, औषधि उद्योग हो गया, कागज, कागज भी है जो इनके कचरे से बनता है, भूसे से बनाया जाता है, जिसमें जो गन्ना आया हम उदाहरण में लें, तो गन्ने का जो पीछे कचरा बचता है उससे भी कागज बनाया जाता है। इसी प्रकार है जो ये विभिन्न प्रकार के ये वनों की जो लकड़ियां सूखने के बाद में उसका चूरा करके उससे कागज बनाया, उसी बना करके कागज बनाया जाता है, तो
इसमें औषधि उद्योग हो गया, कागज उद्योग इसी के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा फर्नीचर, लकड़ी के जो भी सामान सामग्री बनती है, तो लकड़ी उसमें कच्चा माल हो गया, उससे नया निर्मित माल बनाया जाता है फर्नीचर। तो ये भी इसका इसी उद्योग के अंतर्गत आता है। तो ये वन आधारित उद्योग, तो इसके चार प्रकार थे कच्चे माल के आधार पर, तो इसको चार भागों में बांटा गया है। पहले दो प्रकार में हमने पढ़ा था, पहला है कृषि आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, और चौथा खनिज आधारित उद्योग, और सॉरी तीसरा और चौथा है वन आधारित उद्योग। तो इसके ये चार प्रकार, दो प्रकार हम नाम वापस यहाँ लिख देता हूँ। पहला था कृषि आधारित, और दूसरा इसका था समुद्र आधारित उद्योग। तो ये इसके चार प्रकार हैं। इनमें कृषि से जो उपज प्राप्त होती है उसमें शक्कर एवं गुड़ उद्योग है, तेल उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, और समुद्र पर आधारित है, मत्स्य तेल निकलता है, तो इस पर आधारित ये उद्योग हो गया। और खनिज आधारित में धातु उद्योग के रूप में है, धातुओं से भी और पेट्रोलियम जैसे कई प्रकार की चीजें मिक्स मोम है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, तो ये सब इसको अलग किया जाता है। धातुओं में भी कई धातु सोना चांदी, इसके अलावा कांसा तांबा, तो ये सब भी अलग मिक्स रूप में पाए, इनको अलग करके शुद्ध करके इसका उपयोगी बनाया जाता है। और वन आधारित उद्योग में औषधि है, कागज उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है। तो इसमें यदि हम एक और बात करें, इसमें आपके नहीं दिया गया है मगर मैं आपको बता देता हूँ, यदि इसमें एक और बात करें इसका पांचवा प्रकार यदि माने, तो पांच प्रकार के अंदर पशु आधारित भी हो सकता है। आपके यहाँ नहीं दे रखा है, तो पशुओं से भी, पशुओं पर भी कच्चे माल के रूप में दूध प्राप्त होता है, दूध से भी कई प्रकार की चीजें बनती है, तो ये भी एक उद्योग जिसको नहीं बताया गया है। तो ये भी एक कच्चे माल पर आधारित हो सकता है, चमड़ा है, मरने के बाद इससे चमड़ा प्राप्त होते हैं पशुओं से, उससे जो जूते वगैरह बने जाते हैं, ये भी एक कच्चे माल पर आधारित हो सकता है, मगर इसमें आपको नहीं दिया गया है। चार ही प्रकार हैं इसके, पांचवा भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसके आधार पर भी ये जो उद्योग चलते हैं कच्चे माल के आधार, तो ये भी एक कच्चे माल का भी एक प्रकार है। तो आज के इस टॉपिक से संबंधित अब हम कुछ प्रश्न अपनी नोटबुक में करेंगे। आज केवल एक प्रश्न ही करेंगे, उसका विस्तारित रूप में कर देंगे उसको। पहला क्वेश्चन है इसका, एक क्वेश्चन है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगिक प्रकारों को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। आज के लिए आपको इसकी सारणी बना करके या इनके कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकार सबके नाम लिखना है, और उसके उदाहरण को उसके सामने बताते हुए ये प्रश्न करना है। तो आज के लिए एक ही प्रश्न है। धन्यवाद।